अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ। हंडवा कोतवाली पुलिस ने जिंदा कारतूस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। रामनगर चौकी को मुखबिर से सूचना मिली कि नई रेलवे लोहारी नाका पुलिया के ऊपर दो युवक जिंदा कारतूस के साथ खड़े। सूचना मिलने पर रामनगर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दो युवक, जिसमें पवन सोलंकी पिता सुमान सोलंकी और आनंद मंडलोई पिता जय सिंह मंडलोई, दोनों निवासी हापला तिपला के रहने वाले है। पुलिस ने इन दोनों युवकों के कब्जे से 6-6 जिंदा कारतूस जब्त किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने बताया कि दोनों युवकों पर पूर्व में भी हत्या जैसे कई मामले दर्ज है, जिन्हें पुलिस ने कल रात जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आज दोनों युवकों को न्यायालय में पेश किया गया है। जी, कल रात्रि में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना को जो तस्दीक करते हुए हमारी पुलिस टीम रवाना की गई थी, उसमें जो दो आदतन अपराधी हैं, पहले भी जो कई अपराधों में संलिप्त रह चुके हैं, एक पवन और दूसरा आनंद मंडलोई, दोनों निवासी हापला के हैं। इनके जब इनको वहाँ पर घेराबंदी करके पकड़ा गया और चेक किया गया, तो इन दोनों के कब्जे से 6.32 बोर के अवैध रूप से मिलने पर इनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या रिकॉर्ड है इन पे? गंभीर अपराध है, हत्या सहित कई अपराध दर्ज हैं दोनों पर। और इस तरह की इनके बारे में सूचना लगातार मिल रही थी कि ये कमलेशन आर्म्स वगैरह में संलिप्त रहते हैं, तो कल चेक करने पर दोनों के कब्जे से ऐसे राउंड 32 मिलने पर कार्रवाई की गई है। क्या कोई पूछताछ भी सामने आया है? क्या और पूछताछ की जा रही है? हमारी विवेचना जारी है, आगे भी जो तथ्य आएंगे टेक्निकल आधार पर, पूछताछ के आधार पर, उसी आए हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।